अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है जी? तुसी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद आबाद रखे, आमीन। खुश रहें। और यह है जी सुबह का वक्त, और देखें सुबह सूरज जौन सा है ना, उसकी जब किरणें निकलती है तो आसमान कितना सोना लगता है ना। अल्लाह पाक दी शान, जरा गौर नाल वेखो, नाल वेखो इस तरह का सूट का डिज़ाइन हो, बस के कंट्रास्ट हो, कितना खूबसूरत लगे ना। और मैं नमाज अदा करके और बाहर निकली, और देखें हमारे रोड में ना लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, नमाज अदा करके एक दूसरे को सलामे दे रहे थे, और दोस्त जा रहे थे, मन की बातें सुन रही थी, तो सोनी बातें कर रहे थे, कह रहे थे, एक उसको कह रहा था कि तुम ना सजदे में ये दुआ मांगा करो कब्र के अजाब की, बिना अल्लाह कब्र के अजाब से बचाए दुनिया की सख्तियों से, तो हम दुआ मांगते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना सुन के, तो माशाल्लाह यंग एज में थे, मैंने कहा सलाम इनके माँ बाप को, कितनी खूबसूरत परवरिश है ना, अल्लाह हमारे बच्चों को भी नेक करे, आमीन। इधर मैं थ्रैक्सन खा ली, और आपको पता है थ्रैक्सन खा लो ना तो पेट में तो इंजे चूहे दौड़ने लग जाते हैं, ऐसा लगता बंदौरी की दौड़ा भूखा बैठा है। तो मैंने देखा जी तो मेरी तो ब्लड भी मुक्की पई, और साथ अंडे भी मुक्के पे हुए थे, और मुझे पता ही नहीं था है कुछ दिनों से ना तबीयत ज़रा बोझल बोझल है। तो मैंने फिर ऐसे शामी कबाब को कह लिया, मैं तेनों तवे ते गरम कर लैनी आ, तो कोई गल नहीं, अंडा वैसे भी मैं जेला वो जर्दी नहीं खानी, सफेदी खानी ही, मैं कहा चलो छोटी मोटी जेन में रख के ना अंडा तो खा लो। तो इधर मैं बनाने लगी जी दूध पत्ती, और मैं चाय में ना पानी नहीं डालती, आ गई ये काम जोन सा है, वो हमारे जो जिधर से दूध लाते हैं ये, तो उनका काम है जो पानी डाल के देना, अगो मैं भी दूध चुपा लेते हुए तो लस्सी के जरा ना पत्ती पाने वाले ही काम हो जाना। इधर मैं देखो जी पीस के ऊपर लगा रही हूँ जी कैचअप, और मुझे तो साशे ही लगा फ्रिज में से मैंने वही दे दिया, मैंने कहा पता नहीं बच्चों ने पैकेट किधर रख दिए हुए हैं। तो साथ मैंने ये ऐसे ही इसको ना कर लिया, ये मैं फेफ आ रही हूँ थोड़े से ऑयल के अंदर, तो सुबह मुझे याद आ जाता है कि मैंने डाइटिंग करनी है, तो शाम तक मैं फूल पाल जाती हूँ। हैं तो कुछ थ्रैक्सन थायराइड वाले बंदों को ना बातें भी नहीं याद रहती, सुबह मैं डाइटिंग शुरू करूँ तो दो घंटे के बाद भूल जाती हूँ। तो ये मैं ना ब्रेड के पीस के ऊपर ना ये मैंने लगाई शामी, ये है जी शामियों का फ़ायदा। अगर आपके पास देखें आप अंडा नहीं भी था तो आराम से ये मैं, मेरा देखो कितना सोना जरा ना सैंडविच बन गया है। तो मैंने कहा पहले मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कर रहा, तो फिर मैंने कहा नहीं खा लो, क्या कहते हैं और कमज़ोरी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये लै भाई जन्नत में भी कमज़ोरी होती है। इधर आ गए जी दोपहर का टाइम, तो इधर हम बना रहे थे खाना, तो खाना है मुख्तलिफ ज़रा रेसिपी है, तो आज तुम्हें रेसिपी देने हैं मुख्तलिफ। ये प्याज है, इसको ग्राइंड किया हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट है, अभी ग्राइंड कर लो तुम, ठीक है। ये ऑयल पाओ, उसके अंदर दो मोटी इलायची ग्रीन डालनी है, ठीक है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और इसको नज़र पर पौन पा लेना, इतनी खूबसूरत खुशबू आन लग पे, सोहनी सोहनी जी जो ताड़ा दिल करे आए हाई की पक रहे हैं ना। फिर उस तुम प्याज पा लेना, ठीक है, और प्याज पा के, और ये कच्चा प्याज नहीं है, ये मैंने उबले हुआ प्याज है, ठीक है। साथ ही मैंने जौन सा है वो डाल दिया है चिकन, और साथ लहसुन ये जौन सा ना टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, इन्हीं के अंदर इनको पकाएं पकाएंगे। और कोई बाजारी मसाला नहीं जी, वेख लो नमक मिर्च हल्दी है और ज़ीरा है और पिसा हुआ धनिया है, ठीक है, ये मैंने डाल दिए, बस बिस्मिल्लाह पढ़ो, इनको घुमाओ फिराओ खांडी के अंदर, कहो चलो भाई तुम घुमाओ फिरो। तो मसालों तो बगैर तो उसको सोहनी चीज़ लगती है, जिस तरह एक दुल्हन ने ना तैयार श्यार हुई हो इतनी सोहनी लगती है जी, हांडी मसालों तो बगैर नहीं सोहनी लगती। ये पानी डाल के इनको घुमा फिरा के, तो इनको हमने कहना है कि चुप करके गल जाओ, ठीक है, जब आपने कोई चीज़ पकानी हो ना उसके कान में कह लो कि चुप हो जाओ। तो ऐसे देखो जी साड़ी कितनी खूबसूरत जिन्हें बोटियाँ लेना पड़ गया, मैं प्रेशर नहीं लगाया, प्रेशर का टक्का देता है। और जब ये देखा ना थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, और आपने इसके अंदर आपने पा देना है जी दही, ठीक है, ये मैं दूधने लगी हूँ दही ये जी, हाँ अच्छी तरह से फेंट लेना, कोई गुठलियाँ शुठलियाँ नहीं रखनियाँ, ठीक है। कभी पका के वेखियो बड़ा जायकेदार बड़ा मज़ेदार बनता है, तो कमेंट करिया करो। इधर मैं शामिया जो उनसी है ना जो मैंने बनाई थी, याद है ना मैंने आपको बनाने का तरीका भी सिखाया था, स्टोर करने का भी, तो जगह नहीं थी फ्रीज़र में, और भी चीज़ें थी रखने वाली, तो मैंने ना एक लिया बाउल, तो वो मेरे पास टिफ़िन नहीं था, तो मैंने बाउल के अंदर ही ना इनको सेट कर लिया। अच्छा भैन भराओ जो तुम सैट करनी है ना, तो आपने बर्फ़ वाली ही सैट करनी है, ना एक ढिलियाँ हो जाते, फिर तुम उन्होंने फ्रिज रखो, तो बाद उन्होंने कचूमर बनाया हो तो कहो लो जी जन्नत ने क्या ही जैन जी स्टोर करनी है, नहीं तुम उन्होंने हूँ एक आराम देना, जो खार के कड़ लोगे ना फिर कोई परौना शरौना आए फटाफट तुम फाड़ के ना पहला माइक्रोवेव के करो, तो फिर आराम देना फ्राई करके ना तो रख लो। अच्छा इधर मैं मसाले रख दी थी, मसाले भी ना मैं कट्ठे ले आती हूँ, पाव पाव के पैकेट ले आऊँगी, आ जाती है कोई समझे कि 7-8 हज़ार रुपया लग जाता है इनके ऊपर, सारे मसालों के ऊपर पूरा साल आपका बन जाएगा, ठीक है, आराम से सारे मसाले लो
टिफ़न में डालो, सबको मिला मिला के फ्रीज़र में पूरा स्टीम भर के रख दो, पूरा साल इस्तेमाल करो। एडा सोना टाइम गुजरता ना, शुक्र अल्लाह की ज़ात ना मेरे मालिक का। इधर आया था जी घर लहसुन, तो लहसुन तो बड़ा ही महंगा हो गया है, 400 रुपये किलो। आपके एरिया में उधर क्या है? ये तो साल गंडेरियाँ आई थी, वो गंडेरियाँ मैं ऐसे ही पकड़ के ना खाने लग गई। मेरा पता नहीं ऐसे जैसे बाहर पड़ी है, गर्मी थी ना, तो मुझे मेरी बेटी कहने लगी माँ मुझे इनको वॉश कर लें, तो मैंने कहा अच्छा उन्हें खा ली है तो उन्हें बाकी तो वॉश कर दी है। तो इधर जोन सा है ना, आइए मैं क्या करें, मैं बेहवे की दसूँगी ना मैं की कर रही हूँ। तो देखो जी है किसी कई जगह पे मैंने आपको कहा हो कि मैं सवेरे उठी और ये मैंने आराम किया और ये वो, तो मैं कहाँ रात के 3 बजे की उठी हुई और ये सुबह का देखिए जी 12 बज रहे हैं, है ना ना मैं क्या कहते हैं चल सो चल, जिंदगी है इसी का नाम है ना, जिंदगी चल सो चलो, चलती भी रही तो सोनी हुई लगती है। ये मैं चने भिगो दिए हैं, तो इतने सोने चने, बड़े ही सोने चने ना, तो मैंने कहा बॉयल करके तो फ्रीज़र कर लूँ, बाद में बंदा आलू बॉयल करके फुलकियाँ डाल के चाट शाट बना लेंदा, कोई 2 फ्रूट पा के फ्रूट चाट बना लेंदा, कभी चने वाले चावल बना लेंदा, क्योंकि अच्छी होती है ना गल। ए जो प्रीपरेशन है ना मैं पहले करनी हुई है रमज़ान तो, रमज़ान की तैयारी नहीं, अल्लाह पाक खाते पीते तो सारा साल चाहिए, तो रमज़ान की तैयारी की करनी हो मैं तुहाने नाल बहुत जल्दी शेयर करांगी। और शबे बरात तो बाद इंशाअल्लाह ताला वो खान पीन वाली नहीं होगी, कोई दूसरे टाइप की होगी जिसकी तुम मेरे ना करनी है। और ये हमारी लाडली देखो है, मैं सदके जा माशाअल्लाह उठ के आ गई थी, तो साथ ही उसको भूखियाँ लग गई हैं और साथ ही वो कह रही है कि मुझे ना माँ दे दो, उठते सार को पानी पीती है, तो अब उसको माँ चाहिए था और दोनों ही नहीं उठनी कि दोनों उठनी हो। वो नाश्ता कर रही थी, वो उनका उठने का दिल नहीं था कर रहा, तो वो कहती थी मुझे माँ दो, और वो पंगा भी ले रही थी मानों के साथ ही, कह रही थी मानो उठे और मुझे दे, और अक सर के उसकी भैन को आप ही उठना पे उन्हें पता चल गया कि इन्हें नहीं मनना है, तो फिर उसको पानी पिला रही, पीना उसने चीनी का कोटी है, लेकिन फा सारे कारण उन्हें पाया होना है, समझ नहीं आती है ये छोटा जहा कहना जीन लैंदा है, तो वो जिला ना सारे टंगी रखता है, बस सानू जिला ना सुकून नहीं लैन देता। अब ये उसको गंडेरी का क्या पता, हो छोटिया छोटिया टीथियाँ हैं तो कैसे खाती हैं भला, तो बाजी को तो है ही नहीं, ये दे ताली, ताली भी उसको मारनी आ गई, दे ताली जे लो ताली भाई, तो बस एक बार जीजियाँ का पता है, पैसों का पता है, तो ताली मार लो, और नो जी जे है तो बातें आ गई हैं जी, तो माशाल्लाह अल्लाह खुशी रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो इन्ना जहा मेरा व्लॉग सी, तो यही जिंदगी है, चल रही है जितों तक चल रही है, चलन दो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप अल्लाह हाफिज़।